कस्टम आईज जो श्विंड कंपनी बनाती है एंड वेव लाइट प्लस इनोवाइज जो एल्कॉन कंपनी बनाती है, दोनों ही चश्मा हटाने के बहुत एडवांस्ड प्रोसीजर्स हैं। बट इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं वो थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो में आज समझाने वाला हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक, आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, एंड आज मैं हूँ ASCRS, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन्स की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में। एंड हम लोग इस समय खड़े हैं एल्कॉन के स्टॉल के सामने, जहाँ पे वेव लाइट प्लस इनोवाइज टेक्नोलॉजी डिस्प्ले में रखी हुई है। एंड आप यहाँ पे भीड़ को देख के ही समझ सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कितनी पॉपुलर है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि 75% लेसिक के जो ऑपरेशंस करे जाते हैं वो एल्कॉन की वेवलाइट मशीन पर करे जाते हैं। इतनी पॉपुलर टेक्नोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड आपको साथ ही साथ अभी मैं आपको श्विंड का स्टॉल दिखाता हूँ, और वहाँ पे आप देखना कि स्टॉल एक तरह से बिल्कुल खाली पड़ा है, क्योंकि श्विंड मशीन जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो सबसे पहले हम चलते हैं श्विंड के स्टॉल पर। सो अब हम आ गए हैं श्विंड के स्टॉल के सामने, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टम आइस टेक्नोलॉजी एंड श्विंड अमारिस मशीन डिस्प्ले में है। बट आप ये नोट करेंगे कि ये स्टॉल एक तो साइज़ में भी बहुत छोटा है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, क्योंकि श्विंड मशीन्स एंड कस्टम आईज जो टेक्नोलॉजी है वो आई डॉक्टर्स के अमंग्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। एंड उसके दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न है कि जो श्विंड की लेसिक मशीन्स है, जो अमारिस मशीन है, और जो कस्टम आईज सॉफ्टवेयर है, इन दोनों के पास USFDA का सेफ्टी अप्रूवल नहीं है। कंपेयर टू एल्कॉन वेवलाइट मशीन और इनोवाइज सॉफ्टवेयर, दोनों ही USFDA से सेफ्टी के लिए अप्रूव्ड हैं। एंड सेकेंड रीज़न ये है कि जो कस्टम आइज टेक्नोलॉजी है ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। कस्टम आइज जो है ये एक तरह का वेव फ्रंट गाइडेड लेसिक प्रोसीजर है। वेव फ्रंट गाइडेड प्रोसीजर्स ऑलरेडी एल्कॉन, ज़ाइज, बोशनलॉम की मशीन्स में एग्जिस्ट करते हैं, और अब श्विंड ने भी वेव फ्रंट गाइडेड लेसिक को अपनी अमारिस मशीन पर लॉन्च करा है। तो पहली बात तो कस्टमाइज कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है कंपेयर टू इनोवाइज, जो फर्स्ट टाइम हम लोग रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं चश्मा हटाने के लेसिक प्रोसीजर्स में। तो इनोवाइज जो है एक नई इंट्रोडक्शन है, एक नई टेक्निक है, एक नई टेक्नोलॉजी है, रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी है, जिसका इस्तेमाल करा जा रहा है लेसिक प्रोसीजर्स में, चश्मा हटाने के ऑपरेशंस में, कंपेयर टू कस्टम आइज जो नई टेक्नोलॉजी नहीं है। कस्टम आइज एक वेव फ्रंट गाइडेड प्रोसीजर है, ये ऑलरेडी बाकी मशीन्स में एग्जिस्ट करता है, और अब श्विंड वालों ने अपनी मशीन में भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। कस्टमाइज, वी आर टॉकिंग अबाउट वेव फ्रंट गाइडेड टेक्नोलॉजी। So customized basically is the combination of sophisticated wavefront technology with our Schwind Amaris laser. तो श्विंड ने कोई नई टेक्निक वर्ल्ड में लॉन्च नहीं करी, इसलिए आप देख सकते हैं कि श्विंड का स्टॉल एक तरह से खाली पड़ा हुआ है कंपेयर टू एल्कॉन का स्टॉल। आपको दोबारा दिखाता हूँ कितनी वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पॉपुलर स्टॉल है एल्कॉन का। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो वेव लाइट प्लस इनोवाइज वाली रे ट्रेसिंग लेसिक टेक्नोलॉजी है, ये बाकी जो पुराने प्रोसीजर्स हैं जैसे कस्टमाइज हो गया, कंट्यूरा हो गया, सिल्क हो गया, स्माइल हो गया, इन सब से कैसे बेटर हो गई है? देखिए, ये जो सारे पुराने प्रोसीजर्स थे ना, ये एक वन फिट ऑल मॉडल पर काम करते थे। इसका मतलब ये है कि अगर तीन लोग अपना चश्मा हटाने आते हैं और तीनों की आंख में 5 का नंबर है, तो तीनों का जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल सेम करा जाएगा, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजीज वन फिट ऑल गोल्ड स्ट्रैंड्स मॉडल पे काम करती हैं। लेकिन वेव लाइट प्लस इनोवाइज से अब हम फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड पेशेंट की आँख का एक 3D डिजिटल आई मॉडल बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आई अवतार। उस आई मॉडल पे एक वर्चुअल सर्जरी करी जाती है, और उस वर्चुअल सर्जरी का जो रिजल्ट होता है
उसको आइटरेशन के प्रोसेस से रिफाइन करा जाता है, और इतनी रिफाइनमेंट हम कर देते हैं कि जो फाइनल पैटर्न उससे निकल के आता है उसको जब हम पेशेंट की आंख में यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए, तो पेशेंट की जो विजन की क्वालिटी है वो एक नॉर्मल इंसान से भी बेटर हो जाती है। तो हम पेशेंट्स को 6-6 से भी बेटर विजन, 6-5, 6-4, 6-3 इस तरह की ईगल्स आई विजन का एडवांटेज दे सकते हैं। वेव लाइट प्लस इनोवाइज प्रोसीजर जो है वो फ्यूचर रेडी है। देखिए, जब भी हम किसी इंसान के चश्मा हटाने का ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन के बाद आंख में हीलिंग होती है, आंख हल्की सी चेंज होती है, उसमें एपिथीलियल रीमॉडलिंग होती है, जिसकी वजह से कुछ सालों में विजन की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन वेवलाइट प्लस इनोवाइज में ये जो आई में चेंजेस आते हैं ऑपरेशन के बाद, इन चेंजेस को भी टेक्नोलॉजी में इनकॉर्पोरेट करा गया है, जिसकी वजह से जो आपकी विजन की क्वालिटी, एक तो हमने वैसे आपकी विजन की क्वालिटी 6-6 से बियॉन्ड कर दी, और अब इस क्वालिटी को हम लोग लंबे समय तक मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि जो भी एपिथीलियल रीमॉडलिंग और आँख में चेंजेस आएंगे ऑपरेशन के बाद वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में इनकॉर्पोरेटेड है, और उस हिसाब से हम लोग ऑपरेशन करते हैं कि ये जो विजन क्वालिटी है ये आपकी लंबे समय तक मेंटेन रहती है। तो अगेन, आज मैं अमेरिका में हूँ, लॉस एंजलिस में ASERS की कॉन्फ्रेंस में, एंड यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर दिया गया है, और थोड़ा सा मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है।